भारत माता की, भारत माता की। जिनके काम में है दम, जो नहीं किसी से कम, ऐसे लाखों संविदा कर्मियों पर मामा करते हैं गर्व, मामा करते हैं गर्व। और हम आज तो जी भर के देख लूं तुम्हें, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी सार्थक कर दी। आज देखो इक्वेशन बदले हुए। इसके पहले चाहे जो मजबूरी हो, एक तरफ अधिकारी और एक तरफ कर्मचारी, लेकिन आज मैं और मेरे मंत्री आपका स्वागत करने आए हैं। मंच पर विराजमान हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, पिछड़ा वर्ग के हमारे मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, पीएचई के हमारे मंत्री भाई ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय उमेश जी भारतीय मजदूर संघ से, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रमेश जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, डॉक्टर सुनील यादव जी, दिनेश तोमर जी, गुलाब सिंह अहिरवार जी, अमर सिंह जाटव जी, जितेंद्र भदौरिया जी, रमेश राठौर जी, डी के उपाध्याय जी, रोबिन श्रीवास्तव जी, सजल भार्गव जी, और कोई रह गया हो तो ऊपर वाले सब जी और नीचे वाले भी सब जी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नहीं भांजे भांजियों, आपके इस प्यार पे तो जिंदगी ने उछावर है। और आप चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग से हो, चाहे नगरी विकास विभाग से हो, महिला एवं बाल विकास विभाग से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, कृषि विभाग से हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी से हो, स्कूल शिक्षा विभाग से हो, जितने भी विभाग से हैं, उन्होंने सचमुच में अद्भुत काम किया है। और कई बार मुझे यह कहने में भी हिचक नहीं है कि नियमित कर्मचारियों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर भी किया है, और जरूरत पड़ी तो उनसे ज्यादा काम करके भी दिखाया है। मैं कोविड काल में मुख्यमंत्री बना था और उस समय आपने जान की बाजी लगा के जनता की जिंदगी बचाने में जी जान लेकर प्रदेश आपके उस काम को कभी भुला नहीं पाएगा। और ये मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, समय अद्भुत काम किया आपने। आज मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ रेट है, विकास दर 16% से ज्यादा इस साल, पिछले साल 19% थे, देश में नंबर एक है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बजट का साइज बढ़ रहा है, सड़कों का जाल हो, स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला हो, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो, पीने के पानी का इंतजाम हो, ग्रामीण सड़कें हो, सीएम राइज स्कूल हो, एक नहीं सभी विभागों ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया, इसलिए अपना मध्यप्रदेश आज हिंदुस्तान में सम्मानजनक स्थान बनाने में सफल हुआ है। आप सब, और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपकी क्षमता और कार्य कुशलता और आपकी दृष्टि नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर भी कम नहीं है, कई मामलों में ज्यादा है। और तकनीकी मामलों में तो हमारे युवा साथी भारी ही पड़ते हैं, कार्यशैली में कर्तव्य बोध भी है,
और सेवा का अभाव भी है। हमारे नियमित कर्मचारी और हमारे आप सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर हर दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और आज मैं ये कहने आया हूं कि आप मेरे बाएं हाथ हैं, आप मेरे दाएं हाथ हैं और आप मेरे दिल भी हैं। चाहे ANM हो, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियंस हो, फार्मासिस्ट हो, और चाहे गर्मी बरसात और रात दिन का भेद मिटाकर मध्य प्रदेश को उजाला देने वाले हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी, पंचायत ग्रामीण विकास के हों, शिक्षा के हों, खेलकूद व कल्याण के हों, कोई रह तो नहीं गए। आप सबने अपने अपने काम को बेहतर अंजाम देके मध्य प्रदेश की इज्जत बढ़ाई है, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का जो भव्य भवन आज बनकर खड़ा हो रहा है, उसके नींव के पत्थर अगर कोई है तो हमारे संविदा कर्मी हैं आप। मंदिर का कलश दिखाई देता है, लेकिन कलश जिस गुंबद पे रखा है और गुंबद जिन दीवारों पे टिकी है, उन दीवारों को भी टिका के रखते हैं नींव के पत्थर। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और मैं यह फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। गर्दन पे तलवार लटका के और ये काम कर, नहीं तो कटी। देखिए ये मानवीय नहीं है। कई लोगों ने तर्क दिए कि काम वो इसलिए करते हैं कि एक साल में अनुबंध खत्म हो जाएगा तो अगले साल रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप पहले की तरफ और पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। क्योंकि हमारा काम लोगों की जिंदगी बचाता है, हमारा काम मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की तरफ ले जाता है, हमारा काम शिक्षा का प्रकाश भी फैलाता है, तो हमारा काम लोगों की जिंदगी को रोशन भी करता है। हम केवल अपने लिए नहीं है, हम प्रदेश के लिए, और ये प्रदेश की बेहतरी के लिए हम जी जान से काम करेंगे। बोलो ठीक है ना? सब मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, ऊपर बैठे अफसरों को इसी में आनंद आता है कि हर साल आना पड़ेगा, तब देखेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा लेकिन यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करने का फैसला किया है। देखिए, कोई गंभीर मामला है तो गंभीर अपराध किसी ने किया है, कोई गंभीर गड़बड़ कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है, अब भी कार्रवाई होती है। आगे भी अगर कोई जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, गड़बड़ करेगा, तो कार्रवाई हो जाएगी। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ। उसके रास्ते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि कोई प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करे या गड़बड़ करे। लेकिन हमेशा फिर आ जाओ, साल भर में जब चाहो तब सेवाएं समाप्त कर दो। और वैसी स्थिति में जब 20-20, 25-25 साल हो गए, जब सर्विस ज्वाइन की, अम्मा सुन लेंगे अब 2 मिनट, अब ये अम्मा हमेशा आती कहीं कहीं सभा में आती, बिठा लेना उसको, आज तो इनसे बात कर लेने दो, मेरी माई, उनसे आवेदन ले लो, मैं उधर बिठा लेना मिलना। अब चला मत, देखो इतने लोगों के बीच में मैं आया हूं, ठीक है। तो मेरे सभी भांजे और भांजियों से और अधिकारी मित्रों से मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे,
ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है। और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो कि जिसके साथ हम अपना जीवन का उत्तरार्ध बुढ़ापा ठीक से गुजार सकें। मैं आप सबसे यह भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी, अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। और वो भी एक निश्चित समय सीमा में करेंगे हम। और इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बनाए। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, बहुमान भी है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी, विशेषकर मातृत्व अवकाश, क्योंकि मेरी ये बेटियां, इनको भी हक है कि बेटा बेटी के जन्म के साथ मानवीय दृष्टिकोण से शायद 180 दिन का मिलता है नियमित कर्मचारी, 180 जितनी मेरी जानकारी है। तो सैम वैसे ही लाभ हमारी इन बेटियों को मिलेगा जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रही है। आपकी छुट्टियां भी सीएल ईएल ऐच्छिक अवकाश वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। और बीच बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी जब वेतन वेतन काट लिया गया, कौन कौन का काटा हाथ उठाओ। अच्छा, ये कटा हुआ वेतन भी वापस किया जाएगा और कोई केस नहीं चलेगा। आपका पूरा सम्मान, जितना मेरा सम्मान है उतना मेरे लिए आपका भी सम्मान है। हम मानवीय जीवन जिएंगे, मेहनत से काम करेंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहेंगे, प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, बहुत लंबी चर्चा करने का औचित्य नहीं है, जो मूल मूल है वो मैंने सब आपके बीच रखा है। बोलो मामा, अच्छा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अच्छा है कि नहीं? तो सब मेहनत से काम करेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मामा के साथ रहेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, लोगों की बेहतर सेवा करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आंदोलन शब्द इतिहास बन जाएगा। आज तो मेरी चौरे के दो हैं, अब दोनों बाहें फैला के सबको गले लगा लूं और सबका माथा चूम लूं, सबको प्रेम करूं और सबको आगे बढ़ाने की भगवान से प्रार्थना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।